आपको बताएं, यूएई के हुकाम ने एसीसी के सदर जय शाह से भारत में मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक यूएई ने एशिया कप की मेज़बानी में भरपूर दिलचस्पी जाहिर की। आपको बता रहे हैं, अबूजाबी, दुबई और शारजा बेहतरीन वेन्यूज़ हैं। मज़ीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल अरीबा, एशिया कप की जो मेज़बानी है उसका इस वक्त तनाजा खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल दिया है कि पाकिस्तान उसकी मेजबानी इस तरह कर लेता है, जबकि इंडिया के जो मैचेस हैं वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल लेता है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो डेवलपमेंट सामने आई है कि यूएई ने भी गहरी दिलचस्पी जाहिर की है एशिया कप का मेजबान बनने के लिए। इस हवाले से यूएई क्रिकेट बोर्ड के हुकाम जो हैं वो भारत में मौजूद है और उन्होंने एसीसी के सदर जय शाह से मुलाकात की है और उन्हें तजवीज दी है कि एशिया कप का जो मेजबान है उसे यूएई को बना दिया जाए, ताकि क्योंकि उसके पास इस वक्त अबूजाबी, दुबई और शारजा की सूरत में बेहतरीन वेन्यूज मौजूद है और माजी में बीसीसीआई भी वहां पर जो है इन ग्राउंड पर, इन स्टेडियम्स में जो है अपने इवेंट्स आईपीएल, एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप भी करा चुका है। इस हवाले से जेश जो हमारे जरा है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जय शाह ने इस तजवीज पर आमादगी जाहिर की है और गौर शुरू कर दिया है कि एशिया कप को मेजबान बना दिया जाए, जबकि पाकिस्तान जो कि उसने हाइब्रिड मॉडल पेश किया हुआ उसका अभी एसीसी की तरफ से उसका इंतजार है, क्योंकि पीसीबी को अभी तक इस हवाले से हाइब्रिड मॉडल के हवाले से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, जबकि जो हमें इतलात मिल रही है कि इंडिया से जो इतलात आ रही है उसके मुताबिक बीसीसीआई ने पीसीबी का जो हाइब्रिड प्लान है उसको मुस्तरद के मुताबिक यूएई ने एशिया कप की मेजबानी में भरपूर दिलचस्पी जाहिर की है। हमें अपडेट कर रहे थे अकील अहमद, बहुत शुक्रिया आपका।